सलम खेलने जा रहे हैं एवलन। तो गाइस एवलन को जाकर सब्सक्राइब कर देना, और ये बहुत खतरनाक लॉन्ड्री वाली है। मुझे प्ले फॉर लीडर बोर्ड। हम ये ले करें नील फिक ईस्टर एग। क्या आई हैव टू बी गुड गेमिंग यूट्यूबर विद स्कूल। अरे ये क्या है भाई, ऊपर टाइमिंग आ रही है। और ये शायद मेरा नेस्किफ डॉल, ये कह रहा है कि कब कितने में स्केप कर सकते हैं। स्केप नहीं करेंगे भाई, आगे कुछ पता लगाएंगे। सबसे बड़ा सीक्रेट है ये, जो आप ये घोपड़िया देख पा रहे हो ना, घोपड़िया ये उन नंस की है जो आपको एवेलन टू के ने दिखी है, वो उन्हें मार के उनकी घोपड़िया डाल दी है। ये है पहला सीक्रेट। और दूसरा तरीके से पता लगाते हैं हम अपना। चलो अब हम इसका दूसरा सीक्रेट पता लगाते हैं। अब ये देख पा रहे हो रिचुअल वाला है, ये इवेलन वन में भी था, ये इवेलन थ्री है। और ये बताओ किसके लिए पूजा करती है, ये अपनी बेटी के लिए पूजा करती है, जिसकी बेटी अलीसा आपको इवेलन टू में देखने को मिल जाएगी। जी इसकी जिस ये जो आप साइन देख पा रहे हो, इसके अंदर ही उसकी बेटी की लाश है। और उसे वो निकालना नहीं चाहती, इसलिए प्रार्थना करते कि मेरी डेविल मेरी बेटी को वास मेरी बेटी को वापस कर दो, इसलिए वो ऐसा करती है। ये है टॉप टू सीक्रेट्स। अब आपको बताया गया ये लॉन्ड्री वाली पहले भी यहाँ पे काम करने आती थी, जो अब लॉन्ड्री होती है ना, आपको बताते हैं हमसे डरती क्यों है। अब ये आपको नहीं पता होगा कि वो हमसे डरती क्यों है जब हम इजी एक्सट्रीम मोड खेलते हैं। मुझे पता है इसका डरती क्यों है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इवेलन के स्कूल में क्या कर रहा है बच्चा, इससे वो डर के हमारे भाग जाती है और हमें नहीं लेके जाती। क्योंकि जो लॉन्ड्री होती है पहले उसे डरती नहीं थी इवेलन से, वो जाते हैं गॉस्ट बन गए जो सबसे बदला ले रही थी। अगर इवेलन ने एक बार लॉन्ड्री को देख लिया इजी मोड एक्सट्रीम मोड में, तो उसे मार देगी और लॉन्ड्री भाग जाएगी अपनी आँखों बंद करके। इवेलन की जो शक्ल होती है बहुत खतरनाक होती है। अब हमारा एक और सीक्रेट वो है इस वाले कमरे में। अरे एवेलन हट, ये अपना सीक्रेट होगा इस वाले कमरे में। मेरा लॉकर खो रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये स्केलेटन की बॉडी है जिसको हम डेविल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर डेविल को बोली कि मुझे अपनी बेटी फिर से वापस दे दो, बहुत बार बोल दी मैं अपनी बेटी को वापस कर दो। ये है टॉप टू सीक्रेट। अब लास्ट सीक्रेट हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपको ग्रिल दे ना ग्रिल, उसके साथ हम स्केप ही करते हैं। ग्रिल का तो हम स्केप बिना नहीं कर सकते। ग्रिल हमें स्केप बताऊँ क्यों करवाती है, क्योंकि वो सारे सीक्रेट पता लगाने में हमारी हेल्प करती है। और ये एक और सीक्रेट है जिसमें हमें कोड डालना होता है, सारी घोपड़ियों को एक साथ देख पाएंगे। ये हमारा छठा सीक्रेट है इसका कमरे में। और एक और सीक्रेट और वो है एवेलन के पास, इसके पास एक की होती है जो इसके पीछे टांगनी होती है, अगर हम उसकी की के हाथ लगाएंगे तो हम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जो एवेलन वन है उसमें तो हम उठा सकते हैं, पर मैं एवेलन थ्री खेल रहा हूँ, इसलिए अगर आप एवेलन वन खेल रहे हो तो आप उसे देख सकते हो कि आप उसी की उठा के एस्केप कर सकते हो। लेकिन एवेलन वन में ग्रिल नहीं होती, तो एवेलन टू में भी होती है, और थर्ड भी इसलिए होती है क्योंकि वो एवेलन का स्कूल बहुत बड़ा है, एवेलन टू में बहुत छोटा था, इसलिए आपको एस्केप करने में ग्रिल लगती है। चलो अब आज की सीक्रेट वीडियो खत्म, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।